सिर्फ एक आलू आपके चेहरे पे लेकर के आएगा बेहद ग्लो, 10 गुना से भी ज़्यादा। आपको 4 स्टेप्स में इस फेशियल को करना है, बेहद रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आपको लेना है एक आलू, उसको अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करने के बाद उसका आपको रस निकालना है, तो चाय छन्नी की मदद से काफ़ी अच्छे से उसको रस को निकाल ले। अब इस रस को 4 स्टेप्स में आपको फॉलो करना है। पहले स्टेप में क्लिनजिंग कराना है, उसके लिए 1 चम्मच आलू का रस, 1 चम्मच आपको दूध मिला करके पूरे फेस को अच्छे से वाइप कर ले कॉटन की मदद से। अगले स्टेप में स्क्रबिंग के लिए आपको 1 चम्मच आलू का रस, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच कॉफ़ी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बेस्ट आपका जो है रेडी होगा स्क्रबिंग। इसकी मदद से आप अपने चेहरे को 5 से 7 मिनट तक अच्छे से स्क्रब करें, और दोस्तों धीरे धीरे करने से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, डेड सेल्स की प्रॉब्लम खत्म होगी। अच्छे से फेस को वॉश करने के बाद थर्ड स्टेप में मसाज क्रीम बनाना है। इसके लिए आपको 1 चम्मच आलू का रस, 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1/2 चम्मच ऑलिव ऑयल मिक्स कर लीजिए, और अच्छे से इसको क्या करना है मिक्स करिएगा, तो बहुत ही बढ़िया क्रीमी फॉर्म में रेडी होगा। अब दोस्तों इस क्रीम से आपको अपने चेहरे पर मसाज करना है 5 से 7 मिनट तक। अच्छे से मसाज कीजिए सर्कुलर मोशन में, ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छे से स्टार्ट होगा। और उसके बाद आपका जो बचा हुआ ये क्रीम है उसी में आपको आलू का रस डाल करके फिर आपको ऐड करना है मुल्तानी मिट्टी, और फिर आपको ऐड करना है चंदन पाउडर 1-1 चम्मच। अच्छे से मिक्स करने के बाद दोस्तों बढ़िया वाला आपका फेस पैक रेडी हो जाएगा। और दोस्तों अभी जो आपने क्रीम लगाया उसको वॉश नहीं करना है, उसी के ऊपर इस वाले मिट्टी को यानी जो फेस पैक है उसको अच्छे से अप्लाई करें 15 मिनट तक छोड़ के। फिर आपको कॉटन को गीला करके या फिर टॉवल को गीला करके पूरे फेस को अच्छे से वाइप करें, चेहरा एकदम से निखरा निखरा हो जाएगा। ट्राई करें, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। चेहरे, हाथ पैर की जमी हुई मैल को निकालना चाहते हैं, अपने स्किन को स्पॉटलेस और ब्राइट करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आज का ये बहुत ही इजी और सिंपल रेमेडी ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको उसके लिए लेना है पका हुआ केला, ऐसा केला जो गल जाता है, उसको आपको केला को अच्छे से मैश करके लेना है। फिर उसमें आप ऐड करें 1 चम्मच चीनी यानी कि शुगर, शुगर बहुत ही बढ़िया हमारा दोस्तों स्क्रबर का काम करता है। फिर 1 चम्मच हनी यानी कि शहद ऐड कर दें, और फिर आपको ऐड करना है 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। यहाँ पर मैंने 2 रुपये वाला कॉफ़ी पाउडर का पाउच लेकर के उसको मिक्स कर दिया है। बेस्ट आपका डिटैन फार्मूला रेडी हो जाएगा। इससे आपको रोज़ाना नहाने के पहले बहुत ही अच्छे से फेस पे, हाथ पे, गर्दन पे, जहाँ पे भी मन करता है आपको अच्छे से लगाएं, मसाज करें कुछ देर तक। और दोस्तों मसाज करने के बाद जब आप नहाने जाते हैं उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। दोस्तों करके देखिए इतना बेस्ट रिजल्ट आएगा कुछ ही दिनों में, 15 दिन तक ट्राई कीजिए, एकदम से स्पॉटलेस ब्राइट और लाइट स्किन हो जाएगा। देखने वाले ज़रूर पूछेंगे कि क्या लगाते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। हाथ पैर की जमी हुई मैल को मिनटों में साफ करेगी आज की मैजिकल रेमेडी दोस्तों, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही इफेक्टिव है, आपको उसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आपको एक बर्तन में लेना है 1 पाउच जो है कॉफ़ी यानी 1 चम्मच कॉफ़ी, 1 चम्मच उसमें आपको एलोवेरा जेल डाल देना है, उसको मिक्स करना है। फिर आप इसमें ऐड कीजिए 1 चम्मच बेसन, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। नेचुरल आपका जो है होम मेड स्क्रबर रेडी हो जाएगा। इसकी मदद से आप अपने हाथों पर, पैरों पर लगा करके अच्छे से आपको 7 से 8 मिनट तक रखिए। फिर उसके बाद अच्छे से हल्के हल्के हाथों से आपको स्क्रब करना है, अच्छे से हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है ताकि पैर हाथ का जो डेड सेल्स है वो निकल जाए और आपका हाथ पर एकदम से खूबसूरत और खूबसूरत हो जाए। वीक बेस्ड रेमेडी को 2 बार ट्राई करिए और अच्छे से इसको दोस्तों 7 से 8 मिनट तक वॉश करने के बाद धो लीजिए, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा स्किन हो जाएगा। ट्राई करिए, अच्छा लगे तो लाइक करें।